अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूं, जो कि सुबह सवेरे की। और जैसे अभी हम उठे हैं फ्रेश और आपके साथ शेयर करने लगे हैं, तो अफान भी सो के उठा और मैं अभी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हूँ क्योंकि रात को चावल खाए थे, उसकी वजह से सुबह अक्सर मोस्टली आपकी आईज जो स्वेल हो जाती हैं और मेरी भी कुछ इस तरह से थी। और अभी मैंने बालों को करना है कंघा और फ्रेश होना है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा सुबह का जो सीन होता है ना, वहाँ से वीडियो शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फुल रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह की, आपने ज़रूर देखनी है। एंड तक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं कुछ हेयर कट करने वाली हूँ, क्योंकि मोस्टली करती हूँ और सुबह सुबह मैं स्कैल पर ज़रूर मतलब कंघा करती हूँ, चाहे सर्दियों गर्मियों इस तरह ज़रूर होता है, क्योंकि जो आपके ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और बाल लेंथ में होते हैं इस तरह से। और मैंने अभी ऑयलिंग कर ली, ऑयलिंग करने के साथ साथ अब मैं जा रही हूँ सिंक पे और फ्रेश होने जा रही हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी कुछ मैंने कहा स्किन केयर भी शेयर कर देती हूँ। तो ये कुछ हमने रेमडी होममेड रेमडी तैयार की थी, इसका जल्दी से आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। और भाई साहब जी वो लगे हमें अपने ब्रश दीद ब्रश करने, और मैं आपके साथ ये रेमडी का कुछ सीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरह से होममेड फेस वॉश हमने बनाया हुआ, वो हमने यूज़ किया है, तो अच्छा था रिज़ल्ट हो भी सकता है, लेकिन अगर हम मुसलसल यूज़ करें, और वैसे भी हम क्विक रिज़ल्ट चाहते हैं तो इस वजह से पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि अगर करें तो आप मेरी फेस पे शाइन चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अभी भी मैं सुबह नाश्ते के लिए आई थी, मैंने कहा नाश्ता भी हेल्प करती हूँ और साथ साथ करती हूँ, लेकिन साथ साथ उससे पहले मैं पानी पीती हूँ एक ग्लास, चाहे सर्दियों हो चाहे गर्मियों, मैंने मस्त पानी पीना होता है और ये मेरी मतलब रूटीन में शामिल है। तो जैसे आपने सारा कुछ आपके साथ शेयर करनी, सुबह सुबह सो के उठा बंदा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के साथ ही बालों को कंघा करना और स्किन करना थोड़ी सी, या फ्रेश होना, फ्रेश होने के साथ पानी पीना, और मैं अभी पी रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तब वोगा लग रहा है, लेकिन कोशिश ही है ना। तो अब अच्छी व्लॉगिंग करने के लिए कुछ इस तरह से होना ही पड़ता है। और मामा पराठा बना रही थी, तो ये वाला पराठा तो मेरी दा, इसमें सब कुछ है, मेरा दिल करता मामा का पराठा मिल जाए और बस, और कुछ नहीं। ये तो मैं दो किसी अंडे या किसी सालन किसी भी चीज़ के बगैर खा सकती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। और माशाल्लाह इसमें मामा के हाथ होता है, मैं भी बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर जब मामा बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ मामा मुझे आप बना दें, और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी अफान माशाल्लाह चलने लग पड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, पराठा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। वो मामा ने बना लिया तो फिर बाद में मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी, तो ये यम्मी सा पराठा आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि किस तरह का बनाना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये होता है। और सर्दियों में मेरी सर पे कैप ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे मैं सर्दी से बची रहती हूँ। और स्किन केयर करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया, ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई, सारे काम कम्प्लीट हो गए, और इस तरह से हम बैठ गए एडिटिंग मेरा कर रहे हैं कुछ, और वीडियो अपलोड करने लगे हैं। और साथ साथ देखें व्यूअर्स क्या सीन है यहाँ का, क्योंकि ऐसा है कि लाइट ऑफ थी और लाइट का हम सोच रहे थे कि लाइट आएगी तो हम हीटर ऑन करेंगे और फिर बैठेंगे। और सफाइयाँ बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पीछे वाली सारी रूटीन शेयर अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आपको कुछ लग रहा होगा कि आज आवाज़ थोड़ी सी हल्की हल्की है, क्योंकि व्यूअर्स मैं बिस्तर में माइक वॉइस ओवर कर रही हूँ इस तरह से, तो करना पड़ता है क्योंकि शोर से बचने के लिए। बाकी आपने देखा कि कुछ और मैं आपकी जो नाइट आपके साथ जो अपनी नाइट केयर है वो शेयर कर रही थी, तिब्बत क्रीम विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और पॉन्ड्स लोशन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ आज रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैंने कहा कुछ अलग सा होना चाहिए अक्सर, लेकिन वीर साथ साथ जब हम ये कर रहे थे वीडियो एडिटिंग वगैरह सारा काम कर रहे थे, उस दौरान ये फ़ान स्लांटी लेके आया जो कि उसकी मोस्ट फेवरेट है इन दिनों में, और वो ज़रूर खाता है। और साथ साथ अपनी नानों का साथ शेयर भी कर रहा था, और जब खाला के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार। और अभी जी इसकी कॉल आई हुई थी, अफान के पापा की कॉल आई हुई थी, तो उनसे साथ बात कर रहा था कुछ इस तरह से, कभी आता है तो कभी जाता है, और हेलो हेलो इतनी ज़ोर की आवाज़ कभी आ रहा जा रहा। मैं वीडियो बनाने पे मैंने कहा इसकी वीडियो बना के ना सेव करके कल को इसको दिखाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो ये लम्हे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, कितने बच्चों को खुशी होती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मामा कह रहे देखो ज़रा इसका स्टाइल चेक करो, इसको पकड़ना आ गया मोबाइल फ़ोन इस तरह से, सब माशाल्लाह भी बोल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे। और नेक्स्ट डे ये सुबह ही सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा इसने बाहर जाना है, तो मैंने जानबूझ के ना मैंने कहा कोट तुम्हें आज नहीं पहनाना, मैंने तुम्हें आज ना एक और नई चीज़ पहनानी है, तो मैंने इस तरह से ये खुले वाली जर्सी पहना दी जानबूझ के खुद ही, तो इतनी ज़रा अच्छी लग रही थी, इतनी ज़रा अच्छी। और जब ये चलता था तो ऐसा लगता था जैसे ये जी
इंशाल्लाह इंशाल्लाह उमरा करने जाएगा, हज करने जाएगा, तब इस तरह के अहराम बांधते हैं ना। लेकिन वो तो वाइट में होते हैं, ये ब्लैक में है, तो कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, जब भी आप फ़ान को देखिए तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बताइएगा कि आपको रूटीन कैसी अच्छी लगी या नहीं, और कुछ वीडियोज़ जिनको आप देखना चाह रहे हैं उनको बताइएगा, मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगी आपके साथ और कम्प्लीट शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अभी सांस नहीं मैं ले रही, मुसलसल वीडियो वाज कर रही हूँ ताकि वीडियो अच्छी हो इंशाल्लाह। और फ़ान का आपने देखा है, वो अपनी मामी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था, और उसकी मामी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, इस तरह से होता है व्यूअर्स। और बार बार मामी के रूम में जाके इतना ज़्यादा कह रहा था लाइट पकड़ो, कार्टून दिखाओ, तो लाइट आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है व्यूअर्स मोस्टली पाकिस्तान में, क्योंकि लोड शेडिंग हर जगह ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, रूटीन क्योंकि इसी तरह ही होती है बच्चों के साथ। मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, भी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।